हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि लोग एक खूबसूरत पल बिताते हैं, खूबसूरत रात स्पेंड करते हैं अपने अपने पार्टनर के साथ, और उसके बाद ये लोग सुबह उठते हैं, वहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने अपने काम पे चले जाते हैं। शिखा अपने घर जाने वाली होती है, बट उसे सीरत मना कर देती है कि उसे घर नहीं जाना है, चाहे एक दिन रुक जाए, उसके बाद वो चली जाए। तो शिखा फिर ज़्यादा बहस नहीं करती और वो भी रुक जाती है। इधर सीरत अपने ऑफिस चली जाती है और अनिका हॉस्पिटल। एज यूजुअल इनका दिन कट रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। अनिका सीरत फ़ोन पे बातें करते हैं, एक दूसरे से प्यार भरी, मोहब्बत भरी नोक झोंक भी होती है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो सीरत यहाँ ऑफिस में बैठे बैठे सोचती है, यार बहुत दिन हो गए, कुछ अच्छा सा नहीं किया अनिका के साथ, कुछ डिनर विनर का प्लान करते हैं, यार बहुत दिन हो गए सच में उसके साथ अकेले टाइम स्पेंड किए, सिर्फ वो और मैं और एक हसीन शाम, कितना खूबसूरत माहौल होगा वो। और वो इस तरीके से अपने पीए को बुलाती है और उससे कहती है कि एक रेस्टोरेंट का नाम बताती है जो अनिका का फेवरेट रेस्टोरेंट होता है, और कहती है कि यहाँ पे टेबल बुक कर देना दो लोगों के लिए और प्राइवेट लॉन्च, ठीक है। तो फिर वो हाँ बोल के चला जाता है। उसे दोबारा बुलाती है और कहती है और सुनो, तो कहता है यस मैम, कहते हैं कि कुछ डेकोरेशंस वगैरह करवा देना वहाँ पे, मतलब कुछ अच्छा सा। तो जाने लगता है तो सीरत के दिमाग में एकदम से ख्याल आता है और कहती है रुको रुको रुको। तो कहता है क्या हुआ मैम, आप बहुत टेंस्ड लग रही हैं, क्या बात है। तो वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद अरेंजमेंट करती हूँ, तुम रहने दो, मैं खुद देख लेती हूँ क्या करना है, ठीक है तुम जाओ एंजॉय करो। तो कहता है कि ठीक है जैसा आपको ठीक लगे, और वो चला जाता है वहाँ से। तो सीरत वहाँ से उठती है, अनिका को फ़ोन करती है और अनिका से कहती है बेबी आज शाम को रेडी रहना। तो कहती है क्यों आज क्या है। तो सीरत बोलती है यार हर चीज़ बतानी ज़रूरी होती है, अगर बोल रही हो रेडी रहना तो रेडी रहना, इसमें क्या है इतनी आफत। हाँ तो सीरत बोलती है ओके, मतलब अनिका बोलती है कि ओके ठीक है बता देते तो उस हिसाब से। तो सीरत कहती है कि ड्रेस तुम्हारी चूज़ करवा के भिजवा दी है मैंने घर पे, तुम्हारे रूम में तुम्हारे बेड पे रखी हुई है, घर जाके वो ड्रेस पहन लेना। तो अनिका शॉक्ड हो जाती है। अनिका कहती है एक बात बताओ ज़रा मुझे, तुम इतने मनी कहाँ स्पेंड करती हो और क्यों स्पेंड करती हो, हद हो रही है आपकी यार। तो सिर्फ तुम्हें फिर से लड़ना है क्या मुझसे, मनी स्पेंड करती हूँ तुम्हारे ऊपर करती हूँ, किसी और के ऊपर तो नहीं कर रही हूँ ना, तुम्हारे लिए कर रही हूँ ना जो कुछ कर रही हूँ, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम कहाँ से आ गई इसमें। तो अनिका कहती है ओके ओके फाइन, हुआ क्या है। तो सीरत कहती है सॉरी, पता नहीं माइंड अजीब सा हो रहा है, अच्छा खासा मूड था और अचानक से पता नहीं अनिका सॉरी ओके बेबी ड्रेस पहन लेना, मैं शाम को घर आऊँगी फिर चलते हैं बाहर, और घर पे कह देना हमारा डिनर नहीं बनाएंगे। तो अनिका कहती है अच्छा तो तुम मुझे डिनर पे ले जा रही हो। तो सीरत अपना सर पकड़ लेती है, कहती है यार हाँ डिनर पे ले जा रही हूँ। तो अनिका बोलती है तो पहले बोल देती इसमें क्या था। सीरत कहती है हाँ पता चल गया ना, ठीक है चले। तो कहती है हाँ चलो। तो कहते ठीक है तुम घर पहुँचना शाम को,
रेडी रहना, मैं आके पिकअप कर लूँगी तुम्हें। तो अनिका बोलती है ओके ठीक है। तो अनिका फ़ोन रख देती है और सीरत फिर से अपने चेयर पे बैठ जाती है और कहती है यार मुझे हो क्या रहा है, मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं मेरे, एकदम अचानक से इस तरह से मूड स्विंग होना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसी तो नहीं हूँ। और अनिका पे बेवजह बिना किसी बात के। तो फिर वो अपने ख्याल से बाहर आती है और कहती है शायद ऐसे ही कुछ चल रहा है दिमाग में, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, बट क्या होने वाला है कुछ समझ नहीं आ रहा। होने क्या वाला है यार, तो ऐसे सोच रही होती है और फिर कहती है यार अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेट्स सी, मूड सही करते हैं और अनिका के साथ डिनर एंजॉय करते हैं आज। और ये कह के वो अपना काम करने लगती है, दोनों अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। उसके बाद सीरत शाम हो जाती है तो सीरत वहाँ से निकल जाती है अनिका को पिकअप करने के लिए। इधर अनिका हॉस्पिटल से निकल रही होती है तभी उसका जो फ्रेंड होता है वहाँ पे हॉस्पिटल में, उसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम राजेश होता है, तो वो उसे कहती है कि हाँ राज बोलो, वो उसे रोकता है तो कहती है हाँ राज बोलो, वो शॉर्ट फॉर्म में उसे बुलाती है राज, राजेश नहीं कहते थे क्योंकि उसे वो नाम पसंद नहीं था तो राज बुलाती थी, कहती थी हाँ राज बोलो। तो वो कहता है यार मुझे ना बहुत ज़रूरी काम है तुमसे, प्लीज़ मेरा ये काम कर दो ना छोटा सा। तो निका बोलती यार अभी नहीं, अभी मुझे जाना पड़ेगा, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज़ अभी जाने दो ना। तो राज बोलता है कि यार प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 बहुत बहुत अर्जेंट है, प्लीज़ ना यार। तो निका बोलती ओके ठीक है क्या काम है बताओ, तो उसका हाथ पकड़ता है और वहाँ से एक लैब में लेके जाता है, अपना फ़ोन निकालता है। तो अनिका बोलती है तुम यहाँ लैब में फ़ोन दिखाने लाए थे मुझे, फ़ोन तो वहाँ भी दिखा सकते थे, कहता अरे यार रुको ना तुम ज़रा। तो कहती है अच्छा बोलो क्या है, तो कहता है ये देखो, तो एक पिक दिखाता है उसे और कहता है ये जो सर्जरी है ये जो इसमें किया गया है ये कैसे हुआ है तुम्हें पता है ना, तुम मुझे बताओ। तो कहती है अरे यार वो सर है ना उनसे जाके पूछो वो बताएंगे, मैं थोड़ी ना इतनी बड़ी सर्जन हूँ वो बताएंगे। तो कहते यार अनिका देख यार तू परेशान मत कर, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। तो अनिका कहते देख तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ वो ठीक है बट अभी नहीं ना प्लीज़। इतने में राज का कॉल आता है, वो कॉल अटेंड करता है, बात करता है, तो अनिका जाने लगती है तो राज उसको इशारा करके रोक देता है। तो अनिका वहाँ खड़ी हो जाती है, बार बार टाइम की तरफ देख रही होती है। इधर से ड्राइव करके घर जा रही होती है तो रास्ते में रुकती है, वहाँ से अनिका के लिए एक बुके लेती है, चॉकलेट्स वगैरह लेती है और वहाँ से फिर ड्राइव करके घर जाने लगती है। इधर अनिका काफ़ी देर तक वेट करती रहती है उसके कॉल कट होने का, देन उसका कॉल कट होता है तो अनिका कहती है अरे यार बोलना यार मुझे जाना है यार मुझे अर्जेंट है तुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कहता है यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, प्लीज़ 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 ना मेरे साथ चलना यार। तो कहता है क्या, वो कहती क्या हुआ, तो कहती यार मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज़ हो गई है बेवजह, उसे पता नहीं किसने क्या बोल दिया है, उसको ये लग रहा है कि मेरा कहीं अफेयर चल रहा है। तो इनका बोलती तो इसमें मैं क्या हेल्प करूँ, तेरी गर्लफ्रेंड है ना तू जाके उसे समझाना, मैं क्या इसमें हेल्प करूँ। तो कहता है यार प्लीज़ ना, वो तुझे अच्छे से जानती है, मैंने तेरे बारे में उसे बहुत कुछ बता रखा है, उसे पता है तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो तू समझाएगी तो वो समझ जाएगी, प्लीज़ ना चलना यार प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे, तू पूरे दिन मेरे साथ इस ऑफिस में रहती है तो तू समझाएगी तो वो ज़रूर समझ जाएगी। तो इनका कहते हैं यार मैं तेरी गर्लफ्रेंड से कभी मिली ही नहीं, कभी फ़ोन पर बात नहीं की, फ़ोन टॉक नहीं किया और ऐसे सडन जाके मैं उसे बोलूँगी और वो मान जाएगी, पागल है क्या तेरी गर्लफ्रेंड। तो राज बोलता अरे यार एक बात बता, तू सीरत के बारे में सबको बताती रहती है ना,
तो अनिका बोलती है हाँ। तो कहती तो तेरे बताने से हम सीरत को जानते हैं ना, अब क्या सीरत को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे लेके जाएगी तो मैं ही कहूँगा नहीं मैंने बात नहीं की तो मैं जाऊँगा ही नहीं। ये क्या बात होती है बे, जब मैंने तेरे बारे में उसको सब कुछ बता रखा है और वो तेरे को अच्छे से जानती है, मेरे थ्रू तेरे को जानती है, उसने तेरे को देखा भी है, वो कई बार हॉस्पिटल में भी आई है। तनिका बोलती है वॉट? तो कहती है हाँ यार वो कई बार हॉस्पिटल में आई है, तेरे को उसने देखा है। तो कहती है कि यार फिर भी मेरे को आज नहीं देख, आज तो कैसे भी टैकल कर ले, आज नहीं मैं कल पक्का कल चल के मैं उसे समझा दूंगी, और क्या पता आज तू ही मना ले उसे, आज मुझे जाना है, प्लीज़ 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 बात को समझ। तो राज कहता है नहीं तुझे चलना पड़ेगा। तो कहती है देख यार सीरत ने मेरे लिए डिनर ऑर्गेनाइज किया है और वो मुझे घर पे पिकअप करने के लिए आ रही होंगी और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो राज कहता है यार हद नहीं हो गई? तभी वहाँ उसका एक कलीग और आ जाता है समीर, तो वो कहता है मैं अंदर आ जाऊँ क्या, डिस्टर्ब तो नहीं किया? तो राज कहता है नहीं किया यार तू आना देखना अनिका को, मैं अनिका मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, अनिका को मैं बोल रहा हूँ चल मेरी हेल्प कर दे लेकिन ये सुन ही नहीं रही, इसको सीरत के साथ डिनर पे जाना है। तो समीर बोलता है कि अरे यार कर दे हेल्प उसकी, क्या हेल्प करनी है? तो कहती है यार इसकी गर्लफ्रेंड को समझाना है कि इसका कोई अफेयर नहीं है, तू जाना तू समझा दे। तो समीर कहता है वाह मेरे बारे में भी तूने कुछ बताया उसे राज? तो कहता है नहीं बताया। तो कहते हैं कि लो जब बताया ही नहीं है तो मैं उसे जाके एक अजनबी की तरह बोलूँगा कि नहीं इसका कोई अफेयर नहीं है तो वो मान जाएगी। तो इनका बोलती यार मैं कल कर दूँगी ना, आज मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो राज बोलता है यार देख तुम लोग तो हमेशा टाइम स्पेंड करते रहते हो ना, एक दिन नहीं भी करोगे तो क्या हो जाएगा, चल ले यार प्लीज़ चल ले। तो अनिका कहती ओके ठीक है मैं सीरत को कॉल कर दूँ एक प्लीज़। तो राज कहता नहीं अभी तू चल रास्ते से कॉल कर दियो, और उसका हाथ पकड़ती है पकड़ता है वो और वहाँ से उसे लेके जाता है। इधर सीरत घर पहुँच चुकी होती है, वो अनिका को आवाज़ लगाती है अनिका, लेकिन अनिका होगी घर में तब तो बोलेगी, तो बहुत तेज तेज आवाज़ लगाती है। तो सीरत की मॉम और मतलब दोनों मॉम और शिकांजलि सब बाहर आते हैं और कहते हैं क्या हो गया तुम क्यों इतना चिल्ला रही हो? तो कहती है कि अनिका आई? तो कहती नहीं अनिका तो नहीं आई अभी, क्यों क्या हुआ? तो सीरत बोलते है अरे उसने तो मैंने तो उसको बोला था शाम को आके रेडी रहना, हम बाहर जाएंगे डिनर के लिए, आपको तो कॉल किया होगा ना उसने डिनर बना करने के लिए। तो कहते उसकी मॉम कहती है नहीं हमें तो कॉल नहीं किया। तो सीरत कहती है अच्छा, तो ऐसे सोच में पड़ जाती है। तो अंजलि कहती है मे बी हॉस्पिटल में कुछ अर्जेंट वर्क आ गया उसको, नहीं किया उसने। सीरत बोलती है हाँ हो सकता है, एनीवे मैं वेट कर लेती हूँ। तो जाके रूम में बैठती है, वो ड्रेस खोलती है उसकी, वो देखती है और ऐसे सोचने लगती है कि अनिका जब ये पहनेगी तो कितनी खूबसूरत लगेगी, कितनी हॉट लगेगी यार, कितनी अच्छी लगेगी वो, कसम से यार आज तो ऐसा लगेगा चांद ने अपनी पूरी चांदनी बिखेर दी हो धरती पे जब वो आज सजेगी संवरेगी, उसका सजना संवरना एक लाइक जैसे अभी मैंने कहा कि चांद ने चांदनी बिखेर दी और उसकी जुल्फे वो काले बादलों की तरह उस चांदनी में, हाय कितनी खूबसूरत लगेगी यार, बट ये है कहाँ? और ये कह के वो अपना फ़ोन निकालती है और उसे फ़ोन करने के लिए नंबर डायल करती है उसका, तो अनिका का फ़ोन रिंग होता है। तो अनिका अपना फ़ोन निकालती है तो उसके हाथ से राज फ़ोन ले लेता है। तो अनिका कहती है प्लीज़ यार फ़ोन दे दे, देख सीरत का फ़ोन है, मुझे एटलीस्ट बता तो देने दे कि मैं कहीं जा रही हूँ, मैं आज नहीं आ पाऊँगी, बताने तो दे उसे या लेट आऊँगी देख उसको बुरा लगेगा। तो सीरत कहती है वो राज कहता है कि क्या बुरा लगेगा, एक दिन अगर कुछ बिगड़ जाएगा प्लान तो बुरा लगेगा, अभी तुम लोग गोवा से घूम के आए हो
वो कहती है यार तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे, तुम राज प्लीज देख फोन दे दे, नहीं तो मैं अभी गाड़ी से उतर जाऊंगी, मैं तुझे बता रही हूँ। तो वो फोन नहीं देता, इतनी देर में फोन कट हो जाता है। तनिका बोलती यार दो गई कसम से, क्या करूं। तो फिर राज कहता है अच्छा ले कर ले फोन, लेकिन उसे ये मत बताइए तो मेरे साथ जा रही है। तो तनिका कहती क्यों, तो कहते अरे यार उसे बुरा लगेगा, उसको लगेगा तूने उन्होंने तुम्हारे लिए जो है डिनर ऑर्गेनाइज किया और तुम मेरे साथ जा रही हो। तो उनका कहते नहीं मैं सच बोलूँगी, मुझे झूठ बोलने की कोई गल नहीं, रो नहीं है। तो कहता है कि ठीक है तेरी मर्जी। तो उनका फ़ोन उठाती है और उसे फ़ोन करती है सीरत को। तो सीरत उस समय वॉशरूम में होती है तो वो फ़ोन पिक नहीं कर पाती। थोड़ी देर बाद वो जब आती है तो देखती है कि अनिका की मिस कॉल होती है, तो फटाफट अनिका का नंबर डायल करती है। तो अनिका फटाक से फ़ोन उठाती है और कहती है हाँ बेबी सॉरी 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 मैं आ नहीं पा रही, प्लीज़ 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 सॉरी 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 सॉरी। तो सीरत बोलती है इट्स ओके बट क्या आओगी नहीं। तो अनिका कहती है बेबी मैं एक्चुअली भी एक जगह फंस गई हूँ बहुत बुरी तरह, मैं चाह के भी नहीं निकल पा रही। तो सेहत बोलती क्या हुआ हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम है। तो कहती है नहीं यार हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेहत बोलते तो फिर क्या दिक्कत है बताओ। तो कहती यार दिक्कत यही है कि वो ना एक्चुअली। तो कहती हाँ क्या बोलो। कहती वो एक्चुअली ना ये राज है ना। तो सीरत कहती कौन राज, क्योंकि सीरत को उसके बारे में नहीं पता होता कुछ भी। तो कहते कौन राज। तो अनिका बोलते यार मेरा कलिक। तो कहती अच्छा तो उसका क्या। तो कहती यार इसके गर्लफ्रेंड के साथ कुछ पंगा हो गया तो ये मुझे ज़बरदस्ती वहाँ ले जा रहा है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। सीरत जब ये सुनती है तो उसका पारा बिल्कुल हाई हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल करती है और कहती है एक काम करना ना। तो कहती है कि हाँ बोलो क्या करना है। तो कहती है ठीक है तुम जाओ उसकी गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम सॉल्व कराओ और जल्दी से करा के और सीधे वहाँ आ जाओ, मैं एड्रेस सेंड कर देती हूँ जहाँ तुम्हें आना है, मैं वहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तो अनिका बोलती है ओके आई विल ट्राई। तो सीरत बोलती है नो, अगर कंफर्म बताओ आ सकती हो तो मैं जाऊँ, और नहीं आ सकती हो तो फिर मैं भी कैंसिल करूँ और घर में आराम करूँ, इसमें देखने वाली थोड़ी बात है। अब मैं जाके वहाँ तुम्हारा 3-4 घंटे वेट करूँ और फिर तुम कॉल करके कहोगे नहीं यार तुम नहीं आ पा रही हो, तो ऐसे नहीं होता ना अनिका। तो अनिका कहती है कि ठीक है मैं आ जाऊँगी तुम पहुँचो। तो सीरत बोलती आर यू श्योर ना। तो कहती है हाँ आई एम श्योर। कितनी देर की प्रॉब्लम होगी, थोड़ी देर की होगी, समझा के चली आऊँगी, तो तुम उसकी टेंशन तो मत लो ठीक है, चिल करो। तो कहती है पक्का आर यू श्योर। तो कहते हैं हाँ भाई आई एम श्योर, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो। तो कहती नहीं टेंशन किस बात की, जस्ट से कि देख लो। तो कहती है कि नहीं मैं आ जाऊँगी, बस वो ड्रेस नहीं पहन पाऊँगी। तो सीरत कहती है इट्स ओके, तुम घर से जो पहन के गई थी वो भी काफ़ी खूबसूरत है, तो उसकी टेंशन तुम मत लो, तुम आ जाओ। तो उनका बोलती ओके ठीक है। वैसे सीरत क्या हम ये प्लान। तो सीरत बोलती ऑफ कोर्स वी कैन कैंसिल यार, इफ यू वांट वी कैन कैंसिल। तो उनका बोलती नो इट्स ओके। तो सीरत बोलती नो एक्चुअली यू आर राइट, आज का प्लान हम कैंसिल कर देते हैं, हम लोग कल चलते हैं ठीक है, साथ में चलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो
सीधे बहुत नॉर्मल वे में बोलते हैं, कोई गुस्सा नहीं कुछ नहीं, वो समझ के बोलते हैं कि हाँ ठीक है, वहाँ जाएगी बातचीत करेगी और फिर वहाँ ये लोग कुछ खा भी लेंगे, तो वहाँ से डिनर करने का क्या मतलब बनेगा फिर। और ड्रेस भी इसकी ऐसी है, तो ठीक है ना कल चलते हैं। ये सब सोच के उसने बोला उसको कि ठीक है इतना प्रेशर मत लो, तुम जहाँ गई हो वहाँ वो काम करो, उसके बाद आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनिका नहीं मानती और कहती नहीं 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 मैं आ जाऊँगी, पक्का आ जाऊँगी, तुम वहाँ पहुँचो बस। तो सीरत बोलते हो कि ठीक है देख लो, मैं फिर कह रही हूँ हम कैंसिल कर सकते हैं, कल चल सकते हैं। तो कहती है नहीं तुम पहुँचो, मैं मिलूँगी। तो फिर सीरत कहती है ओके ठीक है, ये कह के वो कॉल कट कर देती है। फटाफट रेडी होती है और अनिका की ड्रेस पैक करती है और अपने साथ ले लेती है, उसकी मैचिंग ज्वेलरी वगैरह सब कुछ वो साथ लेती है और रेस्टोरेंट के लिए निकल जाती है। वहाँ से अपने घर वालों को बोल के कि आज का डिनर नहीं प्रिपेयर करना, तो शिका उसे बीच में टोकती भी है कि भाई हमें बुला के तुम गायब। तो सीरत उसको एक बाउचर निकाल के देती है और कहती है ये तुम्हारे लिए है, रेडी हो और निकलो। तो शिखा कहती कुछ भी तो इसकी क्या ज़रूरत थी। तो अनिका वो सीरत बोलते इट्स ओके यार, तेरे को मैंने रोका था ना, अब आई है तो लखनऊ के रेस्टोरेंट घुमाना अंजलि को, अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करो। तो शिखा बोलती है क्या अकेले में टाइम स्पेंड तो करते हैं। तो कहते हाँ वो रूम में, उसे टाइम स्पेंड करना नहीं बोलते, ठीक है जाओ थोड़ा बाहर रोमांस करके आओ, थोड़ा सा रोमांटिक चीज़ें दिखाओ उसको, उसके साथ कुछ रोमांटिक मोमेंट्स बिताओ। हर वक्त रूम में रह के एक दूसरे से चिपक के रहना ही रोमांस नहीं होता, ठीक है। तो शिखा कहती है तेरे थप्पड़ पड़ जाएगा, बहुत बोलती है। सिर कहती है वो बाद में मारना मैं जाती हूँ। तो शिखा कहती है अरे अनिका वो कहाँ है, कहती है वो मुझे वहीं डायरेक्ट मिलेगी। तो शिखा बोलती है ओके ठीक है एंजॉय। तो कहती है यू टू, और ये कह के वो निकल जाती है वहाँ से। शिखा भी फिर अंजलि को बोलती है चलो रेडी होते हैं चलते हैं हम भी। तो फिर वो दोनों भी रेडी होते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इधर सीरत भी ड्राइव करती है बहुत तेज, तो वो फटाफट रेस्टोरेंट पहुँचती है, वहाँ अंदर जाती है, मैनेजर से बात करती है। तो उसके लिए जो उसने टेबल बुक कराया होता है वो वहाँ तक लेके जाता है। तो सीरत वहाँ के सारे डेकोरेशंस वगैरह चेक करती है, तो एक कबाना टाइप होता है, मतलब एक सेपरेट प्राइवेट लॉन्ज होता है, डोर लगा होता है, मतलब वो सिर्फ कपल्स के लिए एक होता है ना, जैसे अलग अलग सेपरेट बना देते हैं, तो उस टाइप का कुछ होता है। तो वो काफ़ी उसने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ होता है और सीरत वहाँ पे अनिका का वेट कर रही होती है, सब कुछ चेक कर लेती है और देखती है कि सब कुछ बहुत बेहतरीन है, अनिका को बहुत पसंद आएगा। बुके चॉकलेट सब वो वहाँ पे रख देती है, शैम्पेन ऑर्डर करवा देती है, सब कुछ मतलब जो भी सीरत को पसंद अनिका को पसंद होता है वो सब कुछ उसने वहाँ अरेंजमेंट किया हुआ होता है। तो वो वहाँ बैठ के उसका इंतज़ार कर रही होती है। इधर से अनिका वहाँ पहुँचती है तो वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड से मिलती है, उसको समझाती है और उसकी गर्लफ्रेंड समझने का नाम नहीं ले रही होती। इधर सीरत उसका वेट कर रही होती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होगा, क्या अनिका टाइमली पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, सीरत इस चीज़ को किस वे में लेगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। इनकी स्टोरी अब क्या मोड़ लेने वाली है, ये नया ट्विस्ट, ये राज की गर्लफ्रेंड, क्या नई कहानी बनाने वाले हैं इनकी प्रेम कहानी के अंदर, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।